बांका जिला के आनंदपुर ओपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बरसों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली को उसके घर से गिरफ्तार किया है। इस नक्सली के खिलाफ बिहार और झारखंड के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज है। जिले के आनंदपुर ओपी पुलिस ने सोमवार को लंबे समय से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली ठाकुर खैरा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी भैरवगंज के दहली गांव स्थित उसके घर से हुई। आनंदपुर ओपी प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सोमवार को वह अपने घर आया है, इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई। आनंदपुर ओपी अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि सूचना पुख्त हो जाने के बाद टीम गठित कर गुप्त रूप से छापेमारी कर उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार नक्सली से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि बांका के पूर्व नक्सली कमांडर मंटू खेरा का खास सहयोगी था। मंटू खैरा की मुठभेड़ में हुई मौत के समय ठाकुर खैरा के साथ ही था, लेकिन घुटने में गोली लगने के बाद वह मौके से भाग निकलने में सफल रहा। साथ ही जानकारी के आधार पर पता चला कि इन दिनों पुलिस एसएसपी जवानों के साथ बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। आनंदपुर ओपी अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली ठाकुर खैरा पर बांका के चानन आनंदपुर ओपी सहित जमुई और देवघर में कई संगीन मामले दर्ज हैं। ठाकुर खैरा पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, बमबारी सहित अन्य दर्जनों मामले बिहार और झारखंड के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कई वर्षों से हुआ पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। थाना क्षेत्र के खेमीचक गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप मोटरसाइकिल को बचाने में एक कार पर सवार दंपत्ति बाल बाल बच गए। मामले को लेकर झारखंड राज्य के देवघर निवासी ललन कुमार ने बताया कि मैं अपनी मां रंभा देवी के साथ अपनी कार पर सवार होकर अमरपुर होते हुए भागलपुर स्थित डॉक्टर सोमेन चटर्जी के यहाँ जा रहा था। तभी पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रही बाइक सवार ने अपनी बाइक कार के सामने ऐसे घुमा दिया जिस कारण कार चला रहे चालक मिस्टर खान अनियंत्रित हो गए और कार सड़क किनारे खेतों में पलट गई। हम लोग सभी सीट बेल्ट लगाए हुए थे जिस कारण हम लोग बाल बाल बच गए। हालांकि घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही अमरपुर थाने में पदस्थापित सिपाही निखिल कुमार तथा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर कार पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बांका के पंजवाड़ा थाना क्षेत्र के चचरा गांव के बहियार में मंगलवार को आसमानी बिजली की गिरने से पास के खेत में काम कर रही एक महिला बेहोश हो गई। आनंद फालन में घायल महिला बेबी देवी पति मुन्ना मंडल को पंजवाड़ा के एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए लाया गया जहां महिला का उपचार किया गया। वहीं इस मानसून में बारिश के बीच आसमानी बिजली गिरने की घटना बढ़ गई है जिससे जिले में जान माल की क्षति भी हो रही है और लोग घायल भी हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच घोषित लॉकडाउन के दरमियान वज्रपात की चपेट में आने से जिला अंतर्गत शंभुगंज प्रखंड में 3 लोगों की मंगलवार के अपराह्न मूसलाधार बारिश के बीच ठनका गिरने से मौत हो गई। शंभुगंज के भरतशिला के 70 वर्षीय रविंद्र यादव, गिद्धौरा में 50 वर्षीय गीता देवी एवं गढ़ी मोहनपुर में 35 वर्षीय युवक सुजीत कुमार की मौत वज्रपात से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी मृतक अपने अपने बहियार में खेत पर काम कर रहे थे। शंभुगंज के सीओ परमजीत सिरमौर ने बताया कि आपदा के तहत अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही बताया कि मृतकों के सब को पोस्टमार्टम कराने के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को आपदा के तहत 4-4 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बांका के रजौन प्रखंड में मंगलवार को कोरोना महामारी के बीच बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर रजौन स्वास्थ्य केंद्र के सभी संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। रजौन स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक राजेश रंजन ने इससे पूर्व सरकार को 13 से 19 तक काला बिल्ला लगाकर एवं 20 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल पर जाने के लिए सरकार को आगाह किया था। 16 सूत्रीय मांगों में 2011 के बाद मानदेय का पुनरीक्षण, 15% बढ़ोतरी, एचआर पॉलिसी लागू करने, नियमितीकरण, कोविड-19 में संविदा कर्मियों को 1 माह का समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने आदि की मांग की गई है। हड़ताल पर जाने से कोरोना सैंपलिंग की जांच भी बंद हो गई। ऐसे समय पर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है। पहले दिन स्वास्थ्य प्रबंधक सुभाष कुमार साहब, प्रखंड लेखापाल निकेश कुमार, डाटा ऑपरेटर मनीष कुमार झा, लैब टेक्नीशियन चंद्रशेखर चौधरी, मनीष कुमार, सफाई कर्मी पप्पू दास आदि स्वास्थ्य केंद्र के सामने मेन दरवाजे को लगाकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। बांका के धोरैया प्रखंड के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत रनगांव बुजुर्ग गांव में वज्रपात ने एक बार फिर से कहर बरपाया जहां खेतों में धान का बिचड़ा उखाड़ रहे 35 वर्षीय मोहम्मद फैयाज आलम की मौत वज्रपात से हो गई। इसी प्रखंड के अहिरो पंचायत अंतर्गत पुरनिया गांव में बहियार में धान की रोपाई कर रहे 3 सगे भाई किशोरी मंडल, संजय मंडल एवं टुनटुन मंडल वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गए। इनमें किशोरी मंडल की हालत गंभीर बताई गई।